हेलो गाइज, वेलकम टू अनादर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आप देखे होंगे ये रामेन बनाते हुए, और ये आज मैं खाने वाली थी। देख के तो काफी स्कैरी लग रहा था। मैं ऐसे भी स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। मैं जब छोटी थी तब मम्मी को पैनक्रियाटाइटिस हो गया था, और उसके वजह से हम लोग तभी से लेके आज तक घर पे बहुत ही कम मसाले, कम ऑयल के खाना बनाते हैं। मम्मी अभी कभी कभी टेस्टी बनाने के चक्कर में ज्यादा ऑयल डाल के बनाने की कोशिश करती है ताकि हमें वो खाना अच्छा लगे, पर हम अभी काफी यूज्ड हो गए हैं। मैं जब खाना बनाती हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कम से कम ऑयल और कम मसाला डाल के बनाऊं, पर ये रामेन वाज सो स्पाइसी गाइस, मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाई। और ये इतना ज्यादा स्पाइसी था मुझे कैमरा बंद करना पड़ा था, बिकॉज आई वाज लिटरली लाइक क्राइंग। आई विश आई कुड रिकॉर्ड दैट, पर मेरा हालत इतना खराब हो गया था कि मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बेड के ऊपर जो गद्दा रखा हुआ है ना, उसको हम महीने में एक बार धूप में रखते हैं, पर मेरे हस्बैंड जब भी घर पे होते हैं ना इसको धूप में रख देते हैं, और उनका काम है धूप में रखना, धूप से लेके आना। मेरा काम है इसको ठीक करना। इसको ठीक करने के लिए काफी मेहनत लगती है, बिकॉज मैं जिस साइड में खड़ी हूँ उसके ऑपोजिट साइड में ना जाने का जगह नहीं है, और वहां पे कैसे भी करके घुस के मुझे उसको ठीक करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल होती है मेरे लिए, पर अगर धूप में रख दिया तो उसको ठीक करना ही पड़ेगा। सुबह 9:30 बजे निकली थी मैं, और पूरे दिन पेनी के साथ टाइम नहीं बिताया, इसीलिए पेनी आ गई थी मेरे पास सोने के लिए। हम दोनों ने थोड़ा टाइम बिताया और कुछ 1-1.5 घंटा नैप भी ले लिए थे। शाम को उठ के सबसे पहले मैं फ्रेश हुई और मैं एक वीडियो एडिट करने के लिए बैठ गई थी। मुझे करीब 2 घंटा लगा। 8 मिनट का एक वीडियो एडिट करने के लिए मुझे 2 घंटे ऐसे लगते हैं, और उसको एक्सपोर्ट करने के बाद इट टेक्स अराउंड लाइक 10-15 मिनट्स वो कंप्लीट होने के लिए। तो वही एक्सपोर्ट हो रहा था मेरा वीडियो। और पेनी यहाँ पे गर्मी की वजह से नीचे सो रही थी। ऐसे नॉर्मली जब भी पेनी को गर्मी लगती है ना वो फ्लोर में सो जाती है। आज काफी गर्मी है कोलकाता में, शायद मैं आपको बहुत ज्यादा बोलती रहती हूँ, पर एक्चुअली में अगर आप कोलकाता कभी आए, और अगर आप कोलकाता से हो तो आपको जरूर पता होगा इट्स ओनली अप्रैल और गर्मी काफी ज्यादा हो गई। यहाँ पे खाने के लिए दे रहे थे, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, अपना स्टूल ही गिरा दिया। डिनर में मोस्टली वो राइस ही खाती है, कभी कभी रोटी खाती है। उसके लिए हम सूप बनाते हैं। सूप में डलता है सब्जी जैसे पोटैटो, कैरेट, बीन्स और कोई भी सीजनल सब्जी डाल देते हैं हम, और थोड़ा सा चिकन। कभी कभी वेज भी खाती है, पर आज चिकन खाई वो। और खाना खत्म करने के बाद मेरे तरफ हमेशा ऐसे देखती है, थोड़ा और मांगती है, पर नहीं दे सकते। थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, आपको शायद पता होगा, आप लोगों ने बहुत विशेस किए थे, और 2 दिन के अंदर अंदर वो कम्प्लीटली रिकवर हो गई थी। बिना सलाइन दिए भी इस बार वो काफी जल्दी रिकवर हुई थी, और मेडिसिन का कोर्सेज भी खत्म हो गए, अभी 1 हफ्ते हो गए हैं। शी इज डूइंग कम्प्लीटली वेल। अभी हम लोग थोड़ा देर ऐसे ही बातें कर रहे थे, मैं पानी पीती हुई आपको, अभी थोड़ी देर में खाना खाके हम सो जाएंगे। कल मेरी फ्लाइट है तो सोने से पहले मैं ऑफकोर्स यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करके रख दूंगी। आप मुझे वो नॉर्मल आयरन में हमेशा आयरन करते हुए देखे होंगे, उसमें ना मोड सेट करनी होती है अपने कपड़े के मटेरियल के हिसाब से। अगर मोड आपने सही से सेट नहीं किया, ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से कपड़े जल जाते थे। अभी रिसेंटली भी मैंने बहुत सारे कपड़े जलाए हैं, एक बेडशीट भी जला दिए थे। मुझे आप जो ब्लैंकेट ओढ़ते हुए देखते हो ना हर समय, उसको भी मैंने जला दिया था। इसीलिए अमेजोन से मैं कुछ दिन पहले ये मंगवाई थी, और 2 दिन पहले ये मुझे डिलीवर हुआ। ये एक गार्मेंट्स ट्रिमर है, 2 दिन से मैं इसको यूज करी हूँ। अभी फिलहाल तो मुझे सही लग रहा है। मैं आपको इसका डेमो जरूर दिखाऊंगी कैसा काम करते हैं, इसका प्राइस कितना है, इसके सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका कोई और दूसरा मोड नहीं है, एक ही मोड है, तो आपको अपने कपड़े के मटेरियल के हिसाब से मोड सेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें कपड़े जलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अलग से स्टैंड खरीदने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी ऐसे हैंग करके यूज कर सकते हो, जैसे मैं दरवाजे के पीछे हैंग करी थी। बस थोड़ा स्टीम जम गया था तो वुडन है और वुडन पॉलिश किया हुआ है तो उसको मैंने पोछा लगा दिया, नहीं तो शायद वो कलर फेड हो सकती है। इसके साथ एक प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी आते हैं जो आपको यूज करना रिकमेंडेड है। मैं यहाँ पे वो ग्लव्स यूज नहीं कर रही थी ये सोच कर कि स्टीम है कितना ही लग जाएगा, पर काफी गर्मी लग जाती है। वो ग्लव्स यूज करने से आप आराम से इसको पकड़ के कर सकते हो। यहाँ पे मैं पी रही थी गर्म पानी, हाँ चाय कॉफी नहीं है ये, रात को चाय कॉफी कौन पीता है, पीते हैं कोई लोग कॉफी पीते हैं शायद, पर हाँ मुझे पीरियड क्रैम्स हो रहे थे तो मैं गर्म पानी पी के सोने वाली थी। अभी ये ब्लॉग काफी छोटा है मुझे पता है, मैं आपके लिए कल एक नया और लंबा व्लॉग लेके आऊंगी, प्रॉमिस। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करूंगी, आपके साथ मैं फिर से मिलूंगी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।